स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ब्राइट एकेडमिक पब्लिक स्कूल फॉर क्लास थर्ड सब्जेक्ट सोशल स्टडीज। टुडे वी विल स्टार्ट लर्न अबाउट द चैप्टर फर्स्ट द सन एंड इट्स फैमिली, सूर्य और उसके परिवार। नाउ लेट्स सी, द स्काई इज ऑल अबव अस, आकाश हमारे ऊपर है। इट इज़ अ वंडरफुल स्क्रीन, यह एक अद्भुत स्क्रीन है। इट लुक्स लाइक ब्लू, यह हल्का नीला दिखता है। इट हैज़ नो बिगनिंग और एंड, इसकी कोई शुरुआत या अंत नहीं है। ड्यूरिंग द डे द सन शाइन ब्राइटली इन द स्काई, दिन के दौरान सूर्य आकाश में चमकता है। एट नाइट द सन स्काई लुक्स वेरी ब्यूटिफुल विथ मून एंड काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स, रात में आकाश चांद और अनगिनत तारों के साथ बहुत सुंदर चमकता हुआ दिखाई देता है। इफ़ यू लुक एट द स्काई थ्रू अ टेलीस्कोप यू वुड सी अ वास्ट स्पेस विथ हेवनली बॉडीज, यदि आप एक दूरबीन के माध्यम से आकाश को देखते हैं तो आपको वह स्वर्गीय निगाहों के साथ एक विशाल स्थान देखेंगे उसमें। दिस इज अवर यूनिवर्स, यह हमारा ब्रह्मांड है। द सन द मून एंड मिलियंस ऑफ स्टार आर जस्ट अ स्मॉल पार्ट्स ऑफ द इंटायर यूनिवर्स, सूरज चांद और लाखों सितारे पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्स। स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडी हेवनली बॉडी विच कैन प्रोड्यूस लाइट एंड हीट ऑफ देयर ऑन, तारे आकाशीय पिंड स्वर्गीय शरीर है जो खुद की रोशनी और गर्मी पैदा कर सकता है। दे साइन इन द स्काई, वे आकाश में चमकते हैं। दे आर वेरी फॉर अवे फ्रॉम द अर्थ, वे पृथ्वी से बहुत दूर हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार इन द स्काई, आकाश में लाखों तारे हैं। सम स्टार सीम टू फ्रॉम इंटरेस्टिंग शेप एंड पैटर्न, कुछ सितारों से लगता है कि वह दिलचस्प आकार और पैटर्न की तरह वो दिखाई देते, अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग आकार होते हैं। सच ग्रुप्स ऑफ स्टार आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन, तारों के ऐसे समूहों को नक्षत्र कहा जाता है। कॉन्स्टलेशन आर यूजली गिविंग नेम्स बेस्ड ऑन देयर शेप, नक्षत्र आमतौर पर दिए जाते हैं उनके आकार के आधार पर। एग्जाम्पल फॉर ओरियन उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, उदाहरण के लिए ओरियन उर्सा और प्रमुख कॉन्स्टलेशन तारामंडल, कॉन्स्टलेशन का मतलब तारामंडल। गैलेक्सी, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, गैलेक्सी आकाश गंगा। मिलियंस ऑफ स्टार गैदर टुगेदर इन द यूनिवर्स इन लार्ज ग्रुप, ब्रह्मांड में बहुत से समूह में लाखों सितारे एक साथ एकत्र होते हैं। ईच लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स फ्रॉम अ गैलेक्सी, गैलेक्सी आकाशगंगा के सितारों का प्रत्येक बड़ा समूह, ब्रह्मांड में कई आकाशगंगाएं हैं। देयर आर मैनी गैलेक्सी इन द यूनिवर्स, बहुत सारे आकाशगंगाएं हैं। मिल्की वे इज ऑन ऑफ सच गैलेक्सी इन विच वी लिव, दूधिया रास्ता ऐसी आकाशगंगाओं में से एक है जिसमें हम रहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आकाशगंगा, इसे ही आकाशगंगा भी कहा जाता है। इट इज़ मोस्टली विजिबल ऑन अ क्लियर नाइट, यह ज़्यादातर स्पष्ट रात को ही दिखाई देता है, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा यह हमें रात में ही दिखाई देता है। अवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी सौर प्रणाली इस मिल्की वे आकाशगंगा का एक हिस्सा है। नेक्स्ट टॉपिक द सन, सूरज। द सन इज अ स्टार, सूरज एक तारा है। इट इज़ द बिग बॉल ऑफ फायर, यह आग का एक बड़ा गोला है। इट गिव्स द प्लैनेट लाइट एंड हीट, यह ग्रहों को प्रकाश और गर्मी देता है। इट लुक्स बिगर देन द अदर स्टार्स बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू अस, यह अन्य सितारों की तुलना में बहुत बड़ा दिखता है क्योंकि यह हमारे करीब है। द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, मतलब जो सबसे पास का तारा है। नेक्स्ट टॉपिक प्लैनेट्स, ग्रह। प्लैनेट्स आर द बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड हैं। दे मूव इन देयर फेज पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स, प्लैनेट्स डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट,
वे अपने निर्धारित पर कार्ड कक्षाओं में चले जाते हैं। ग्रह अपने स्वयं के प्रकाश का उत्पादन नहीं करते हैं। However, they shine by reflecting the light received from the sun. सूर्य से प्राप्त प्रकाश को वह परावर्तित करते हैं, मतलब उसे कैसे चमकते हैं। द सोलर सिस्टम सौर मंडल। Our sun and its 8 planets, हमारे सूर्य और उसके 8 ग्रह, together from the solar system, एक साथ सौर मंडल में हैं। These planets are, ये ग्रह हैं, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus और Neptune, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। Next, following are some interesting facts about the solar system. निम्नलिखित बहुत से रोचक तथ्य हमारे सौर मंडल के बारे में यहाँ नीचे दिए गए हैं। Now let's see, Mercury is the closest planet to the sun. बुध सूरज के सबसे निकट का ग्रह है। It is also the small planet in the solar system. यह सौर मंडल का सबसे छोटा भी ग्रह है। Venus is slightly smaller than the Earth. शुक्र पृथ्वी से छोटा, बहुत मतलब थोड़ा छोटा है। It spins in a direction opposite to which all other planets spin. यह एक दिशा में घूमता है जिसके विपरीत सभी अन्य ग्रह घूमते हैं। It is the hottest planet in the solar system. यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, मतलब सबसे गर्म। It can be seen from the Earth. इसे पृथ्वी से भी देखा जा सकता है। It is the referred to as the morning star or the evening star because occasionally we see it on some days we can see it just before sunrise or sunset. इसे सुबह और शाम के तारों के रूप में जाना जाता है क्योंकि कभी भी हम इसके कुछ दिनों में देखते हैं, हम इसे सूर्योदय या सूर्यास्त से ठीक पहले देख सकते हैं। That's all of for today. I hope you have got each and every point. बच्चों आप अच्छे से एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे का नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। See you soon, next video. Bye bye.